जब हिजाबे पर्दा गैबत उठाया जाएगा, एक दिन वो आएगा। He is a well-known social worker, Khatib e Ahle Bayt. He is a doctorate in English, professor and head of department in English with Akbar Peerboy College, Mumbai. His topic for today is doing tawassul with Imam Mahdi alayhi salam shirk. May I please welcome Dr. Sayyid Muhammad Abbas Rizvi Shamsi on stage. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillazi kafa was salatu was salamu ala ibadihi allazina istafa. Amma ba'd, faqad qala Allahu lakim fil Quran al Karim wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Salam जो गुलशन इस्लाम का एक फूल है, उसकी खुशबू के साथ आपकी इजाज़त से आपकी समात में हाजिर हूँ। जैसा कि हमारे इल्म में है कि हमारी आज की इस गुफ्तगू का सब्जेक्ट मौजू है, क्या इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से तवस्सुल शिर्क है। इसका जायज़ा लेने के लिए दामन वक्त में इतनी गुंजाइश तो नहीं, लेकिन जो रेलेवेंट एब्स्ट्रैक्ट्स हैं वह मैं आपके सामने पेश करूंगा, जो एक की का काम करेंगे आगे के दरीचों को खोलने के लिए। आप जानते हैं अल्लाह एक है, वह ऐसा एक है जिसे कि किसी ने उसे एक बनाया नहीं या कई चीज़ों से मिल के वो एक बना नहीं, क्योंकि वह अहदियत और समदियत का हामिल है। उसकी तौहीद एक मुतलक हकीकत एब्सोल्यूट रियलिटी है। आपको मालूम है कि जब यकताई से किबरियाई को मिला दिया जाता है तो या किबरियाई को यकताई से जोड़ दिया जाता है तो इसी का नाम तौहीद होता है, और जब किबरियाई को यकताई से अलग कर दिया जाता है तो इसी का नाम शिर्क हुआ करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का बिला फसल होना, इसी का नाम तौहीद है। ऐसी तौहीद की हामिल वाजिबुल वजूद गैबुल गुयूब में रहते हुए जब इरादे इलाही के तहत लहजे इलाही में कुंतो कंजन मख्फिया की घन गरज के साथ मारफत के बाप को वाह करता है और तख्लीक की कायनात की बुनियाद रखता है। फिर हम दुनिया के सिनेरियों पर यह देखते हैं कि एक नूर इलाही है जो मुमकिनुल वजूद बनकर पूरे जहान तख्लीक को अपने खल्क को अपने अहाते में ले रहा है। आप देखें, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत पैदाइश हो गई, मलाइका उनके पास मौजूद हैं मगर पुश्त की तरफ हैं। अल्लाह ने आदम ने अल्लाह से कहा, मेरे मालिक इनसे कह दे कि मेरे सामने आए, क्योंकि हम बशर भी हैं और इंसान भी हैं। इंसान वो होता है जो बग़ैर उनसियत के जी नहीं सकता, बशर वो होता है जो बग़ैर खुशी के रह नहीं सकता। तो अल्लाह ने आदम से कहा कि ये मस्जूद मलाइका हैं, आप इन्होंने आपको सजदा किया है, आप ख़ुद इन्हें हुक्म सादिर करें, ये सामने आ जाएंगे। सफ़ीउल्लाह ने कहा, तुम सब मेरे सामने आओ, पुश्त की तरफ क्यों खड़े हो? तो कहा सफ़ीउल्लाह, मैं आ जाता, हम आ जाते, मगर क्या करूं, अल्लाह ने आपकी पुश्त में एक नूर को रखा है, जिधर जिधर वो नूर रहेगा उधर उधर हम रहेंगे। तो आदम ने फिर अल्लाह से कहा, मेरे मालिक जब वो नूर इतना मोहतरम है तो उसे मेरी पुश्त में नहीं बल्कि उसको मेरी पेशानी में होना चाहिए। वो नूर पुश्त से उठ करके पेशानी में आ गया, मलाइका सामने आ गए। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे मालिक वो नूर जब इतना मोहतरम है जो पेशानी में आ गया तो सारी दुनिया हमारी पेशानी में उसकी ज़ियारत करे और हम खुद उसकी तजल्लियात से महरूम रह जाएं। तो मेरे मालिक उसे मेरे हाथ में भेज दे ताकि हम ज़ियारत करें भी और ज़ियारत कराएं भी।
जैसे ही वो नूर हाथों में उतरा, पांच उंगलियों में मुनकसिम हो गया, 14 पोरों में बट गया, पंजतन बना, 14 मासूमीन बना। ये एक पूरा सिलसिला है अज़ीज़ो जो आप देखें और चलता रहा। अब यहाँ तक आने के बाद जो हम जानना चाहते हैं वो क्या है, वो ये है कि इंसान को जब भी कोई चीज़ मिलती है तो उसके तीन ही रास्ते हैं, या तो कोई शख्सियत, कोई अथॉरिटी उसको वो चीज़ डेलीगेट कर दे, जिसे तफवीज़ कहा जाता है, तफवीज़ कर दे। तफवीज़ के में जहाँ ये शरफ है कोई चीज़ किसी ने किसी को दे दी, वहीं इसकी कमज़ोरी और वीकनेस है कि वो अथॉरिटी जब चाहे इसे रिवोक भी कर सकती है, इसे वापस ले भी सकती है। दूसरी चीज़ होती जज़ा। अपनी मेहनत की बिना पर या किसी के कर्म के बिना पर जब इंसान को कुछ मिल जाए तो इसे जज़ा कहते हैं। जज़ा में जहाँ इंसान पाता ही शरफ है, वहीं इसकी वीकनेस यह है, कमज़ोरी यह है कि कोई भी इससे छीन के ये चीज़ ले जा सकता है। समझे आप हैं? 100 रुपए एक मजदूर ने कमाया, लेके जा रहा है, रास्ते में कोई रॉबर मिल गया, कोई डकैत मिल गया, उसने छीन लिया, उससे चली गई उसके पास से जज़ा थी। तो पता चला कि तफवीज़ में भी एक कमज़ोरी है और जज़ा में भी एक कमज़ोरी है। तब आगे चल के हमने देखना चाहा तो एक चीज़ हमको और मिली कि जहाँ उस चीज़ को जालिम छीन नहीं सकता, बातिल ले नहीं सकता, यानी वो जज़ा नहीं है, और हक हक से हक को वापस लेता नहीं, यानी तफवीज़ नहीं है, इसी का नाम होता है अता। तो बस समेट के इतना कहना चाहता हूँ कि मोहम्मद आले मोहम्मद को अल्लाह ने जो दिया है ये वो अता है कि जो न जज़ा में आती है न तफवीज़ में आती है। इसके माने जो इनके पास आ गया सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा, और बाकी रहना इस बात का सबूत है, ये मालिक का कमाल एतबार है मोहम्मद आले मोहम्मद की ज़ात मुक़द्दसा पर। अब जब सब उसने दे दिया तो इन्हें पुकारना क्या शिर्क होगा? फिर आप चल के देखें तो आपके सामने बात आया होगी अज़ीज़ो, और पूरी तरह से खुल के आ जाएगी कि आले मोहम्मद का मकाम क्या है। इन्होंने अपने अमल से दुनिया को क्या पैगाम दिया? थोड़ी सी मुसीबत किसी पड़ती है तो भूल जाता है, शिर्क बकने लगता है, कुफर के कलमात आ जाते हैं। करबला में कोई और होता तो यही कहता इतने मसाइब आलाम का खुदा नहीं है, मगर सजदे में सर झुका के नहीं, अल्लाह की बारगाह में सर कटा, क्या खुदा ही तो है। समझे? क्या खूब कहा है जोश मलियाबादी ने, सजदों से खेचता है जो मस्जूद की तरफ, तन्हा जो ये इशारा है माबूद की तरफ। जाप है? इसके माने इन्हें पुकारना शिर्क नहीं, ऐन तौहीद है अज़ीज़ो। बस अज़ीज़ो, बस ख्याल इस बात का रहे कि प्रोटोकॉल को आप मेंटेन करके चले, या वजीहन इंदल्लाह वजीहा। समझे आप? बस इतना प्रोटोकॉल मेंटेन रहे कि जो इन्होंने फरमा दिया कि बस ये जानना हमारे उसके बीच क्या फर्क है, वो है, हम हैं इस चीजों। बस बात को तलखीस करते, फिर क्यों इन्हें पुकारना? देखिए अल्लाह की जात वह है जो रहमान भी है और रहीम भी है। रहमान बन के वो अपने फजल को जारी करता है, रहीम बन के वो अपने अदल को जारी। इसलिए रहमान बन के उसने आखिरी नबी को भेजा ताकि दुनिया फजल इलाही को देखे, रहीम बन के आखिरी इमाम को भेज रहा है ताकि दुनिया अदल इलाही को देखे। समझे आप? इन बातों को जहन में रखेंगे इन डेटास को। अब नतीजा क्या है? इसीलिए उसने कहा कि फजल इलाही चाहते हो तो मेरे रसूल का कलमा पढ़ो, अदल इलाही चाहते हो तो मेरी तरफ से आने वाले इमाम का कलमा पढ़ो। रसूल का कलमा यही बना मोहम्मद रसूलुल्लाह, इमाम का कलमा वही बना मोहम्मद बकियतुल्लाह। यही वजह है फजल इलाही के तलबगारों की जिम्मेदारी है कि फजल इलाही को रहमान से हासिल करना चाहते हैं तो यही कहें सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद रसूलुल्लाह अदरिकना। और अदल इलाही के तलबगारों की जिम्मेदारी है कि अगर अदल इलाही चाहते हैं तो पुकारें सल्लल्लाहु अलैहि बकियतुल्लाह अदरिकना। तो ये चीज़ें हैं, चीज़ों चल के देखेंगे आप तो सारी चीज़ें आपके सामने आया हो जाएगी। तो हर फजल का तालिब, हर अदल का तालिब इन्हीं को तो पुकारेगा बारगाह इलाही से उस चीज़ को हासिल करने के लिए। अब चलें, चूँकि दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं, बस आखिरी बात कंक्लूजन में आ रहा हूँ कि आप चल के देखें
पूरी ह्यूमन नेशन को, पूरी इंसानियत को, आलम इंसानियत को, समझे आप हैं? जहाँ भी चल के देखते हैं कहीं सोशल जस्टिस नहीं है, समाजी अदल नहीं है, कहीं पर कोई कोई इंसान बेचारा है कि माशरे में आप देख लें पूरा यहूदियों का निज़ाम चल रहा है, हर इंसान परेशान चल रहा है, समझे आप हैं? जिसके पास पावर है, इख्तदार है, पैसा है, कैपिटल है अजीज़ों, वो एक्सप्लाइट कर रहा है, समझे, इस्तेहसाल कर रहा है अजीज़ों। हर एक को बराबर का हक नहीं, इक्वलिटी को एक ख्वाब बना के दे दिया, इसका इसका जो ताबीर है वो इंटरप्रिटेशन सामने नहीं आ पा रहा है चीज़ों। आप चल के देखें, तफसील में नहीं जाना, सिर्फ इतना कहना है तो एक साइन ऑफ इंटोग्रेशन, एक सवाल या निशान उभर के आता है कि कौन है जो इस टॉर्चर ह्यूमनिटी को कंसोल कर सके और मजलूम को उसका हक दिला सके, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर सके चीज़ों। मैंने एक प्रोग्राम में, मैं भी मौजूद था, मेरे मामू जान मुफक्किर इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अबुल कासिम रिज़वी साहब ताबसरा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि इस चीज़ को समझने के लिए, उसी तज़िये को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि पूरी ह्यूमन नेशन को अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्लासिफाई करें अजीज़ों, समझे आप, उसका क्लासिफिकेशन करें, दर्जाबंदी करें, तो हमारे सामने ये आता है कि चार हिस्सों में बंटती है। एक आलम इंसानियत का तबका वो है जो कानून पर, ला पे भरोसा करता है, और एक आलम इंसानियत का तबका वो है जो तारीख पे, हिस्ट्री पे, इतिहास पे भरोसा करता है। एक आलम इंसानियत का तबका वो है जो फलसफे पे, फलासफी पे, दर्शन शास्त्र पे भरोसा करता है, और एक आलम इंसानियत का तबका वो है जो इल्म पर, नॉलेज पर, ज्ञान पे भरोसा करता है। जाहिर सी बात है, किसी को उम्मीद है कानून से कोई शख्सियत उठेगी और हमें कंसोल कर देगी, किसी को उम्मीद है कि तारीख से कोई हस्ती उभर के आएगी जो हमें नजात के किनारे पे पहुंचा देगी, किसी को उम्मीद है कि फलसफे की दुनिया से कोई शख्सियत उभर के आएगी और हमें अमन व अमान का पैगाम सुनाएगी, किसी को उम्मीद है इल्म की दुनिया से कोई हस्ती उभर के आएगी, कोई शख्सियत उभर के आएगी और हमारे बिलकने को एक खुशी में बदल देगी अजीज़ों। मगर यहाँ पर मसला यह हो गया कि अगर कानून की दुनिया से कोई उठ के आता है तो उसे कानून वाले तो मुतमईन हो जाएंगे, तारीख वाले नहीं होंगे। तारीख की दुनिया से कोई उठ के आता है तो उससे तारीख वाले तो मुतमईन हो जाएंगे मगर फलसफे वाले नहीं होंगे। फलसफे की दुनिया से कोई उठ के आता है तो उससे फलसफे वाले तो मुतमईन हो जाएंगे मगर इल्म वाले नहीं हो जाएंगे। तो जरूरत है, ये यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है, कोई एक ही हस्ती उठे जिस सब के सब मुतमईन हो जाए, फलसफे वाले भी मुतमईन हो सके, तारीख वाले भी मुतमईन हो सके, इल्म वाले भी मुतमईन हो सके और कानून वाले भी मुतमईन हो सके। तो जब इन चारों चीजों को लेकर, इन चारों क्राइटेरिया को लेकर ऐसी शख्सियत को हमने आलम इंसानियत में फाइंड आउट करना, ढूंढना शुरू किया, तलाश करना शुरू किया, तो हमें मिला, ये मिली एक ही हस्ती है जो कानून के एतबार से इंसानों का इमाम है, जो तारीख के एतबार से इस्मत कुबरा के सिलसिले की वो अजीम कड़ी है, जो सुबह कयामत की तरफ से जाके मिल गई, जो फलसफे के एतबार से वजह बकाए कायनात है, जो इल्म के एतबार से शहर इल्म का वो सिलसिला है कि इस घर का पहला वो, जो इस घर का पहला शहर इल्म वो जो मौलूद काबा और आखिरी वो जो मौलूद काबा, पहले इमाम के विलादत काबे में, आखिरी इमाम का जहूर काबे से जब ऐसी हस्ती उभर के आती है तब दुनिया में जितने भी पूरे ह्यूमन नेशन में, पूरे आलम इंसानियत में जितने भी तबकात है वो तहिद हो करके वो हिस्सों में नहीं बटते, इंसान बनकर उसे पुकारते हैं और मुतमईन हो जाते हैं। तो आलम इमाम महदी का अकीदा ये शीरों के इजाद नहीं है, ये मुसलमानों का अकीदा नहीं है, ये इस्लाम का फलसफा नहीं, आलम इंसानियत की वो जरूरत है कि दुनिया अल अजल या इमाम कहे ताकि जुल्म बर्बरियत से उधर कर सुकून और आस्ती के उसमें आ सके। आप जानते हैं दुनिया का मंजरनामा यह है कि अदालतों में फैसले हो रहे इंसाफ नहीं, जानते हैं आप, जानते हैं अच्छी तरह से, दुनिया इंतजार में अदल इंसाफ के, इंसाफ इंतजार में इमाम के। पहचाने आप इसको, इस बारीकी को, इस नजाकत को समझें, दुनिया इंतजार में है अदल इंसाफ के और इंसाफ इंतजार में है इमाम के, उधर भी इंतजार, इधर भी इंतजार, अदालतों में फैसले होते मगर इंसाफ नहीं होता,
इमाम जब आएंगे तो फैसलों में इंसाफ होगा। इसलिए इमाम को पुकारना, इमाम से इस्तगासा करना, उनको उनसे तवस्सुल करना, आप जानते हैं ये आलम इंसानियत का एक यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट है, एक आफाकी ज़रूरत है। इसलिए हर इंसान दानिस्ता और गैर दानिस्ता, जान के या अनजान बन के, उसके दिल की यही आवाज़ है, अल अजल या इमाम, अल अजल या इमाम, जो तो जो शिर्क नहीं ऐन तौहीद है। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना साहब थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। सदक अल्लाहुल अलीउल अज़ीम।